आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। जीवन के पूर्व और मृत्यु के पश्चात क्या, हर सवाल का जवाब छिपा है गरुड़ पुराण में। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। जीवन के पूर्व और मृत्यु के पश्चात क्या होता है, इस प्रश्न का जवाब आज भी विज्ञान खोज ही रहा है, किंतु आदि अनादिकाल में रचे गए गरुड़ पुराण में इन समस्त प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। मरने के बाद क्या होता है, क्या मृत्यु के बाद जीवन है, क्या मौत दर्दनाक है, पुनर्जन्म कैसे हो, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। जब हमारे किसी सगे संबंधी का निधन होता है तब हमारे मन में इस तरह के सवाल आते हैं। ऐसे समय में हम सोचते हैं कि क्या उस व्यक्ति के साथ हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, क्या हम उस व्यक्ति को फिर कभी नहीं देख सकते हैं। पितर पक्ष में अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूलिए। जानकार विद्वानों का मानना है कि इस तरह के हर सवाल का जवाब गरुड़ पुराण में निहित है। मृत्यु वास्तव में एक दिलचस्प कार्रवाई या कालक्रम है। मृत्यु से लगभग 2 से 3 घंटे पहले पैरों के तलवे ठंडे होने लगते हैं। इन लक्षणों से संकेत मिलता है कि पृथ्वी चक्र जो पैर के तल पर है यह शरीर से मुक्त होता जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जब शरीर छोड़ने का समय आता है तब यमदूत मृतक का मार्गदर्शन करने आते हैं। वही लाइफ लाइन का सामान्य अर्थ आत्मा और शरीर का संबंध माना जा सकता है। जब शरीर का संबंध आत्मा से काट दिया जाता है उस प्रक्रिया को ही मृत्यु कहा जाता है। जीवन रेखा के बाधित हो जाने के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत खींचे जाने का अनुभव होता है। वही आत्मा जिस शरीर में इतने लंबे समय तक रही वह उस शरीर को छोड़ने को तैयार नहीं होती है, वह बार बार शरीर में प्रवेश की नाकाम कोशिश में लगी रहती है। कई बार मृत्यु के उपरांत भी हाथ पैर या शरीर के किसी हिस्से में हलचल महसूस होती है। विद्वानों के अनुसार जब आत्मा के द्वारा शरीर को त्यागा जाता है तब वह अनेक प्रकार की आवाजें सुनने में सक्षम हो जाती है। आसपास खड़े लोग मन में जो भी सोचते हैं वह सब कुछ आत्मा के द्वारा सुन लिया जाता है। आत्मा उन सभी से बात करने की कोशिश करती है पर कोई आत्मा की आवाज नहीं सुन पाता। धीरे धीरे आत्मा को पता चलने लगता है कि वह शरीर को त्याग चुकी है। अंतिम संस्कार तक आत्मा शरीर के आसपास ही विद्यमान रहती है। आत्मा अंतिम यात्रा में भी साथ होती है और जब शरीर पंचतत्व में विलीन होता है तब वह उसकी साक्षी बनती है एवं उसके बाद वह स्वयं को मुक्त हुआ महसूस करती है। विद्वानों के अनुसार गरुड़ पुराण में इस बात का भी उल्लेख है कि आत्मा पहले 7 दिनों के लिए अपने मनपसंद स्थान पर जाती है। अगर उसे अपनी पत्नी संतनों से प्रेम होगा तो वह उनके कमरे में विद्यमान रहेगी, रुपए पैसों से मोह होगा तो तिजोरी के आसपास रहेगी, पशुओं से प्रेम होगा तो घर के पशुओं के आसपास रहेगी। 7 दिनों के उपरांत आत्मा अपने परिवार को अलविदा कहकर दूसरी दुनिया की ओर प्रस्थान करने लगती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि मृत्यु के 12 दिनों तक आत्मा की बहुत ही कठिन परीक्षा होती है। जानकारों के अनुसार मृतक के परिजनों के लिए 12वें या 13वें शास्त्र संस्कार, पिंडदान और क्षमा याचना में जो कुछ भी है उसकी विधि करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि वह आत्मा अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा, क्रोध, राग, द्वेष आदि साथ लेकर न जाए। आत्मा के पीछे प्रत्येक अनुष्ठान को सकारात्मक ऊर्जा के साथ इसलिए किया जाना जरूरी है ताकि वह आत्मा के स्वर्गारोहण में सहायक सिद्ध हो सके। विद्वानों के अनुसार गरुड़ पुराण में यह भी निहित है कि 11वें एवं 12वें संस्कारों में होम हवन आदि किए जाते हैं ताकि आत्मा अपने देवलोकवासी पिता, माता, सखाओं एवं रिश्तेदारों आदि से मिल सके। जिस तरह पृथ्वी लोक पर लंबे समय बाद मिलने पर आलिंगन किया जाता है उसी तरह वहाँ भी होता है।
इसके बाद उस जीव की आत्मा को उसके मार्गदर्शकों के द्वारा कर्म समिति के पास ले जाया जाता है, जहां हिसाब किताब भगवान चित्रगुप्त के द्वारा किया जाता है। यहां कोई अन्य देव या न्यायाधीश मौजूद नहीं रहते हैं। गरुण पुराण के अनुसार बहुत ही तेजमय वातावरण में आत्मा के द्वारा अपने पिछले जीवन को चलचित्र की भांति देखा भी जा सकता है, जिसकी वहां समीक्षा चल रही होती है। यहां उसके द्वारा पूर्व में लोगों को दिए गए कष्ट, किसी से बदला लेना, बुरे कर्म आदि से अवगत कराया जाता है, जहां आत्मा को अपराधबोध होने लगता है। इससे वह पश्चाताप कर सकता है और अगले जन्म के लिए इसकी सजा भी मांग सकता है। इसके उपरांत यहां आत्मा अब अहंकार मुक्त निर्मल हो जाती है। यहां लिया गया निर्णय उसके अगले जन्म का आधार भी बनता है। यहां उसके नए जन्म का एक खाता भी तैयार किया जाता है। इसमें पिछले जन्म में किए गए पापों की सजा और पुण्य कर्मों के लिए पारितोषक तय कर दिए जाते हैं। जानकार विद्वानों के अनुसार गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख भी है कि इसी नए खाते के अनुसार आत्मा के पुनर्जन्म का समय भी तय हो जाता है। वहां उस आत्मा को अपने माता पिता चुनने का अधिकार भी प्रदान किया जाता है। माता के गर्भ में वह कब प्रवेश करेगा, इसका अधिकार भी उसे ही दिया जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि व्यक्ति को जन्म से 40 दिनों तक उसका पिछला जन्म याद रहता है, पर वह अवस्था शैशवकाल की होती है, इसलिए व्यक्ति उसे याद नहीं रख पाता है। आपने देखा होगा कि महज एक माह का शिशु कई बार सोते सोते या देखते देखते हंसने लगता है। 40 दिनों बाद उसकी पुरानी यादों को विस्मृत कर दिया जाता है। आने वाले समय में वह व्यक्ति अपने बुरे या अच्छे समय के लिए पूर्व जन्म के कर्मों के बजाय ग्रहों या भगवान को इसका श्रेय या दोष देता है। जबकि हकीकत यही है कि उस आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश के पहले ही माता, पिता, मित्र, रिश्तेदार, जीवन साथी, शत्रु आदि को भी चुनती है। कहा जाता है कि निधन के 12 दिनों के बाद हर आत्मा को स्वर्ग के लिए प्रस्थान करना होता है। उसके बाद वहां का प्रवेश द्वार बंद हो जाता है, फिर वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाता और इसी पृथ्वी पर भूत योनि में रह जाता है। जानकार विद्वानों के अनुसार 84 लाख योनियों का जिक्र केवल पुराणों में वर्णित किया गया है। अब आप सोचिए, 84 लाख योनियां है तो उनके कर्म निर्धारण का भी कोई लेखा जोखा के निमित्त इस ग्रंथ की रचना की गई। जिस प्रकार मानवीय व्यवहार के लिए हम उनके लिए थानून, नियम, समय सारणी, कार्य निर्धारण, साम, दाम, दंड, भेद की नीतियों को लागू कर देते हैं, ताकि उनके जीवन को सुसज्जित रूप से जीवन को सुधारा जा सके, उसी प्रकार संपूर्ण जीव मंडल को 84 के फेर से मुक्त कराने के लिए उसको अनेकानेक दुष्कार्य के आने वाले परिणामों को दर्शाना और येन केन प्रकारेण संपूर्ण जीव मंडल को उत्तम कार्य करने की ओर उन्मुख करना ही इस महान ग्रंथ का उद्देश्य रहा है। अब यह धारणा भी बनी हुई है कि क्या जीवित रहते हुए गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। इसका जवाब यही है कि अगर जीवित व्यक्ति गरुड़ पुराण नहीं पढ़ता तो कौन पढ़ता है? मृतक आत्मा या शव? क्या आत्मा या शवों के लिए गरुड़ पुराण लिखा और बांचा जाता रहा है? इसे कोई भी कभी भी पढ़ सकता है। पुराण पढ़ने के लिए कोई नियम नहीं है। पितर पक्ष में अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है।
किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।